झज्जर के पटौदा में राव तुलाराम के बलिदान दिवस पर शहीद सम्मान रैली, रैली में राव इंद्रजीत सिंह, ओपी धनखड़ समेत कई नेता शामिल, शहीदों के परिवार का किया जाएगा सम्मान। झज्जर में हो रहे प्रदेश स्तरीय शहीद दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गुरुग्राम से पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल 600 वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुए। सीएम मनोहर लाल ने शहीद राव तुलाराम को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राव तुलाराम की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शहीद राव तुलाराम को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, राव तुलाराम को बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। पंजाब की सत्ता में हुए सियासी घमासान पर गृहमंत्री अनिल विज का बयान, बोले पाकिस्तान समर्थक और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाक सेना प्रमुख जावेद बाजवा ने नवजोत सिद्धू और उनके सहयोगियों को पंजाब में सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस ने गैर राष्ट्र विरोधी खतरनाक साजिश रची है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो जिंद में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी, लाखों की संख्या में लोग रैली में पहुंचकर चौधरी देवीलाल को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। सोनीपत में पंजाबी समाज के लोगों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष के बयान पर विरोध जताया। तीरथ राणा ने पंजाबियों पर नशा फैलाने का लगाया था आरोप, पंजाबी समाज ने आरोपी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। फरीदाबाद में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला, आरोपी कलीम सिद्दीकी से हुआ पूरे मामले का खुलासा। गाजियाबाद में पकड़ा गया आरोपी कलीम सिद्दीकी ने 4 लोगों का कराया था धर्म परिवर्तन। रोहतक में दिल्ली बाईपास के नजदीक शराब ठेका पर 3 अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक 3 लाख करीब कैश की लूट की गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस जांच की जुटी। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और वहां से मोबाइल फोन पर नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अम्बाला में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों के लिए निःशुल्क आयुष्मान और ई श्रम कार्ड मेगा कैंप की शुरुआत की। मेगा कैंप में हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे। मेगा कैंप से हजारों लोगों को होगा फायदा। प्रदेश सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना के तहत यमुनानगर जिले में 4,24,000 कार्ड बनाने का रखा गया लक्ष्य। जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ नुकसान, कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान आया सामने। बोले मुख्यमंत्री ने स्पेशल गिरदावरी के दिए हैं आदेश, नुकसान झेल रहे किसानों को दी जाएगी आर्थिक मदद। सब्जी और फलों के लिए लाया जाएगा नया इंश्योरेंस स्कीम। प्रदेश में मंडियों में 25 सितंबर से शुरू होगी धान की खरीद। यमुनानगर की अनाज मंडियों में धान रखने की लेकर परेशानी हो रही किसानों को, आरती को भी परेशानी। जिले के 8 अनाज मंडियों से पिछले साल से शेड के नीचे पड़ा है लाखों टन गेहूं। प्रदेश में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से किसान हुए परेशान। किसानों का कहना है कि फसल पककर तैयार होने लगी है, बारिश होने से लाखों का नुकसान हो सकता है। भिवानी में बारिश के बाद से कई इलाकों में हुआ जलभराव, घंटों तक जलभराव में फंसे रही गाड़ियां। लोगों के घरों और दुकानों में घुसा राष्ट्रीय राजमार्ग का पानी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 31,994 रिकवरी हुई और 280 लोगों की कोरोना से मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 142 मरीजों की मौत। केरल में अभी भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 847 नए केस आए सामने। एक दिन में 20 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में अब भी 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 30 नए केस मिले। एक दिन में 11 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 411 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस आए सामने। एक दिन में 11 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 332। 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से आज करेंगे मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने जिले के जौनपुरा इलाके में काशवा गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू की।
दिल्ली प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए। आईपीएल का चौथा मुकाबला बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज की।